नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि अगर आप लोग पंजाब एंड सिंध बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो उसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है, साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और मिनिमम बैलेंस कितना आपको मेंटेन करना है, सब कुछ आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना समय को आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, ये पंजाब एंड सिंध बैंक का अकाउंट ओपनिंग करने का फॉर्म है और ये आप लोग किसी भी यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक के किसी भी ब्रांच से इजीली कलेक्ट कर सकते हो। ये आपको बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा। और सबसे पहले मैं आप लोग को डॉक्यूमेंट बता दूं, तो डॉक्यूमेंट में अगर आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड है तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आइए आप लोग को फॉर्म फिलअप करके बताते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो आप देख सकते हो, ये पंजाब एंड सिंध बैंक का अकाउंट ओपन यानी कि सेविंग अकाउंट ओपन करने का फॉर्म है। इसको आप लोग ब्रांच से कलेक्ट कर सकते हो। तो यह ऊपर का हिस्सा आप लोग को फिलअप नहीं करना है, ये ब्रांच के अधिकारी यानी कि बैंक के एम्प्लॉय फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स आप लोग को सबसे पहले फिलअप करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को एग्जिस्टिंग कस्टमर दिया हुआ है, तो एग्जिस्टिंग कस्टमर उनके लिए जिनका पंजाब एंड सिंध बैंक में पहले से कोई अकाउंट है, तो उनका यहाँ पे कस्टमर आईडी लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप लोग न्यू अकाउंट ओपन करना चाहते हो और आपका पंजाब एंड सिंध बैंक में पहले से कोई अकाउंट नहीं है, तो आप लोग को इसको खाली छोड़ देना है। यहाँ पे आप लोग को नेम फिलअप करना है। नेम में सबसे पहले आप लोग अपना प्रीफिक्स फिलअप करोगे। अगर आप लोग लगाते हो तो यहाँ पे मिस्टर या फिर मिसेज जो भी आप लिखते हो लगा सकते हो। इसके बाद आप लोग को कैपिटल लेटर में इनबॉक्सेस में आप लोग को अपना नेम फिलअप कर देना है। दोस्तों, नेम आप लोग वही लिखोगे जो आपके आईडी प्रूफ यानी कि पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेम एज आईडी प्रूफ लिखा हुआ है, तो आपके आईडी प्रूफ में जो भी नेम सेम लिखा हो उसी तरीके से आप लोग यहाँ पर अपना कैपिटल लेटर में नेम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को मेडन नेम लिखना है, तो अगर आप लोग का कोई मेडन नेम है तो मेडन नेम फिलअप करोगे। देन आप लोग को अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इस बॉक्सेस में फिलअप कर देना है। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना, अगर आप लोग मेल हो तो मेल पे टिक करोगे, अगर आप लोग फीमेल हो तो फीमेल पे टिक कर दोगे। इसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा गया, अगर आप लोग मैरिड हो तो मैरिड पे टिक करोगे, अनमैरिड तो अनमैरिड पे आप लोग टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया नेम ऑफ फादर, मदर या फिर स्पाउस, इन तीनों में से किसी एक का नाम यहाँ पे आप लोग को फिलअप करना है, और जिसका भी नाम फिलअप करोगे उसके सामने आप लोग को टिक कर देना है। तो अगर आप लोग फादर का नेम फिलअप करोगे तो सबसे पहले प्रीफिक्स फिलअप होगा मिस्टर, इसके बाद यहाँ पे फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आप लोग फिलअप कर दोगे। इसके बाद पूछा गया है इलिटरेट, अगर अगर आप लोग अनपढ़ यानी कि आप लोग अशिक्षित हो तो यहाँ पे आप लोग को यस पे टिक करना, अगर आप लोग पढ़े लिखे हो तो आप लोग को नो पे टिक कर देना है। इसके बाद नेम ऑफ गार्जियन, ये उन्हीं के फिलअप करना, अगर आप लोग माइनर हो यानी कि 18 साल से कम हो आपकी एज तो आप लोग को अपने गार्जियन का भी नेम फिलअप करना है। साथ ही यहाँ पे आप लोग को गार्जियन के साथ आपका क्या रिलेशन है वो भी आप लोग को कैपिटल लेटर में फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपकी पूछी गई नेशनलिटी, तो आप लोग इंडियन पे टिक कर दोगे और कंट्री नेम में आप लोग को इंडिया लिख देना है कैपिटल लेटर में। इसके बाद ऑक्यूपेशन टाइप पूछा है, मतलब कि आप क्या वर्क करते हो, सर्विस प्राइवेट सर्विस अगर आप करते हो तो सर्विस में प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर, तो इनमें से अगर आप लोग सर्विस करते हो तो किन में से कोई भी चूज कर लेना। अगर आप लोग कोई अदर वर्क करते हो, प्रोफेशनल हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, रिटायर हो या फिर हाउस वाइफ हो या फिर स्टूडेंट हो, तो इनमें से अगर आप लोग कोई वर्क करते हो तो आप लोग उस पे टिक कर देना। हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ पे, स्टूडेंट है तो आप लोग स्टूडेंट पे टिक कर देंगे। इसके बाद आप लोग को मंथली इनकम बताना, अगर आप लोग बिजनेस करते हो या फिर अगर आप लोग सर्विस करते हो तो आप लोग अपनी मंथली इनकम यहाँ पे फिलअप कर दोगे। नेटवर्थ अप्रॉक्स वैल्यू आप लोग फिलअप कर दोगे। इसके बाद रिलीजन आपको बताना है, आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख या फिर जो भी हो आप लोग हो, जो भी आपका रिलीजन हो उसके सामने आप लोग को टिक कर देना है। इसके बाद कैटेगरी पूछेगी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आप लोग हो उसके सामने आप लोग को टिक कर देना है। इसके बाद पर्सनल, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो अगर आप लोग विकलांग हो तो यहाँ पे यस पे टिक करना है, अगर विकलांग नहीं है तो आप लोग को नो पे टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछी गई है, तो अगर आप लोग जहाँ तक भी आप लोग एजुकेशन लियो यानी कि जहाँ तक भी आप पढ़े हो उसके सामने, जैसे कि एचएससी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल, तो जिसमें भी आप लोग जो भी जहाँ तक भी पढ़े हो उसके सामने आप लोग को टिक कर देना है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम पूछा है, यानी कि आप लोग किस ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ाई की है, तो आप लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिख फिलअप कर दोगे। इसके बाद डेजिग्नेशन प्रोफेशन भरना है, तो आप लोग यहाँ पर फिलअप कर दोगे। इसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, इसको भी अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो आप लोग को कैपिटल लेटर में फिलअप कर देना है, बट अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो आप या फिर हाउस वाइफ तो इन दिनों को आप लोग को नहीं फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है
अगर आप लोग पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हो तो यहाँ पे टिक करना है, रिलेटेड यानी कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन रिलेटेड हो तो यहाँ पे आप लोग को टिक करना है, अगर आप लोग इनमें से कोई नहीं हो तो नन पे आप लोग को टिक कर देना है। इसके बाद इंडिया का कंट्री कोड IN होता है तो इस बॉक्स में आप लोग को IN फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे प्लेस और सिटी ऑफ बर्थ, यहाँ पे आप लोग को जहाँ भी आप लोग पैदा हुए हों उस सिटी का नाम यहाँ पे आप लोग को कैपिटल लेटर में फिलअप कर देना है। इसके बाद सिटीजनशिप में आप लोग को इंडियन फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि आप लोग सिर्फ इंडिया में ही टैक्स पे करते हो या फिर इंडिया के बाहर, तो अगर आप लोग इंडिया में ही पे करते हो तो आप लोग को यस पे टिक कर देना, अगर आप लोग इंडिया के बाहर भी कोई बिजनेस करते हो तो आप लोग या फिर टैक्स पे करते हो तो नो पे आप लोग को टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना पैन कार्ड नंबर इस बॉक्सेस में फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल में आप लोग को सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है, देन अगर आप लोग का कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर यानी कि कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो ये यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद ईमेल आईडी इस बॉक्स में आप लोग को फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या फिर एड्रेस के लिए आप कौन सा आईडी प्रूफ देना चाहते हो, तो यहाँ पे कई सारे आईडी जैसे कि पासपोर्ट, वोटर आईडी, DL या फिर आधार कार्ड, तो आधार कार्ड और पैन कार्ड तो आप लोग को जमा ही करना होता है तो आप लोग आधार पे टिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे कोड पूछा गया है तो आप लोग बैंक के एम्प्लॉय से पूछ लेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट अगर आप जमा कर रहे हो उसका कोड पूछ लोगे तो बैंक का एम्प्लॉय आपको बता देगा आपके डॉक्यूमेंट का क्या कोड है। तो आधार कार्ड का जैसे 01 है तो यहाँ पे मैं 01 फिलअप कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग जो भी अपना आईडी जमा कर रहे हो उसका आईडी नंबर, जैसे आधार कार्ड जमा कर रहे हो तो आधार कार्ड का नंबर फिलअप करना है, इशू डेट फिलअप करना है, एक्सपायरी डेट DL वगैरह में होता है तो अगर आप लोग DL वगैरह दे रहे हो तो आप लोग को एक्सपायरी डेट भी फिलअप कर देना है, बट अगर आप लोग आधार कार्ड दे रहे हो तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर और इशू डेट फिलअप कर देना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो इस पेज पर आप देख सकते हो जो मैंने अभी आप लोग को पिछला पेज भर के दिखाया वही सेम लेकिन इसका हिंदी वर्जन है, तो अगर आप लोग इस फॉर्म को हिंदी में भरना चाहते हो तो उसी तरीके से आप लोग पूरा यहाँ पर दिया हुआ है हिंदी में भर सकते हो। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो इस पेज पे आप देख सकते हो सबसे पहले आप लोग को अपना एड्रेस फिलअप करना है, तो एड्रेस में यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को टिक करना है आप लोग करंट एड्रेस दे रहे हो या फिर परमानेंट या फिर ओवरसीज, तो यहाँ पे आप लोग परमानेंट या फिर करंट पे टिक कर देना है। इसके बाद एड्रेस टाइप में रेजिडेंशियल या फिर बिजनेस या फिर रेजिडेंशियल बिजनेस जो भी आप लोग का और रजिस्टर्ड ऑफिस तो आप लोग उस पर टिक कर दोगे। उसके बाद जिस तरीके से मैंने पूरा एड्रेस फिलअप किया उसी तरीके से आप लोग कैपिटल लेटर में पूरा सिटी, विलेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सहित फिलअप कर दोगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को एड्रेस डिटेल में करेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिलअप करना है, तो अगर आप लोग का करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप लोग को बस यहाँ पर सेम एज करेंट परमानेंट एड्रेस पर टिक कर देना है, ये आपको फिलअप नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग का दोनों डिफरेंट है तो आप लोग को उसी तरीके से जैसे मैंने परमानेंट फिलअप किया उसी तरीके से आप लोग करंट एड्रेस यानी कि करेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी फिलअप कर दोगे, पिन कोड सहित आप लोग पूरा फिलअप कर दोगे। तो जाइए 6 नंबर में, तो अगर आप लोग का करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों डिफरेंट है और जैसे कि मान लीजिए आपका घर यूपी के, आप यूपी के रहने वाले हों और प्रेजेंट टाइम में आप महाराष्ट्र पर रेंट वगैरह पर रह रहे हों तो आप लोग को उसकी भी एक आईडी देनी होती है, तो आईडी के लिए आप यूटिलिटी बिल दे सकते हो या फिर प्रॉपर्टी ऑफ और म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट दे सकते हो, और यहाँ पे आप लोग को अपना डॉक्यूमेंट नंबर और डेट भी फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया हुआ है तो इसमें यहाँ पे जो यस का टिक दिया हुआ है इस पर आप लोग को टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को एक पासपोर्ट साइज का एक फोटोग्राफ लगाना है और यहाँ पे आप लोग को अपना सिग्नेचर करना है, याद रखिएगा सिग्नेचर आप लोग ब्लैक इंक यानी कि ब्लैक बॉल पेन से ही करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को प्लेस फिलअप करना है यानी कि जिस भी ब्रांच में आप लोग अकाउंट ओपन कराने जा रहे हो उस प्लेस का नाम फिलअप करना है और जिस डेट को आप लोग अकाउंट ओपन करने जा रहे हो वो डेट यहाँ पे आप लोग को फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे फॉर ऑफिस यूज ओनली लिखा हुआ है तो इसको आपको फिलअप नहीं करना है, ये ब्रांच का एम्प्लॉय फिलअप कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो इस पेज पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में वही हिंदी वर्जन दिया हुआ है, तो अगर आप लोग हिंदी में फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो इसी तरीके से आप लोग फिलअप कर दोगे। इसके बाद आइए नेक्स्ट पेज पर, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को टाइप ऑफ अकाउंट फिलअप करना है, ये ऊपर वाला पोर्शन आपको नहीं फिलअप करना है, ये ब्रांच के एम्प्लॉय यानी कि बैंक के एम्प्लॉय फिलअप कर लेंगे। सबसे पहले आप लोग को फिलअप करना है टाइप ऑफ अकाउंट, तो यहाँ पे आप लोग जो भी अकाउंट ओपन करो जैसे सेविंग बैंक अकाउंट, BSBDA, BSBDA स्मॉल अकाउंट, तो BSBDA और BSBDA स्मॉल अकाउंट दोनों अकाउंट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होते हैं, तो अगर आप लोग जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो आप लोग को BSBDA या फिर BSBDA स्मॉल अकाउंट पर
ओपन करना है। सेविंग बैंक अकाउंट में आप लोग को मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा, तो 1000 रुपये इसका मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो आप लोग अगर सेविंग अकाउंट ओपन करना चाह रहे हो तो आप लोग को सेविंग अकाउंट पर टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर मोड ऑफ ऑपरेशन पूछा गया है, तो आप लोग अगर सिंगल अकाउंट ओपन कर रहे हो तो सेल्फ पे टिक करोगे, और अगर आप लोग ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर रहे हो तो इसमें से कोई भी आप लोग चूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे अगर आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो इनमें सभी सर्विसेज को आप लोग को लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि ATM यानी कि डेबिट कार्ड, तो यहाँ पर डेबिट कार्ड अगर आप लोग को चाहिए तो इसके सामने जो यस का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर आप लोग को टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ डेबिट कार्ड पर आप अपना क्या नाम प्रिंट करवाना चाहते हो इसके बॉक्स में कैपिटल लेटर में आपको फिलअप कर देना है। मोबाइल बैंकिंग के लिए आपको यस कर देना है, इंटरनेट बैंकिंग के आप यस कर देना है। इसके बाद यहाँ पे SMS अलर्ट के लिए यस कर देंगे, फ़ोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पासबुक और यहाँ पे ई स्टेटमेंट, सबके लिए आप लोग को यस पे टिक कर देना है। इसके बाद ये सब पोर्शन आपको नहीं फिलअप करना है क्योंकि मैं सेविंग अकाउंट के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे FD और रिकरिंग या फिर मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट्स, ऑटो स्वीप की भी फैसिलिटी मिलती है, तो अगर आप लोग ऑटो स्वीप की फैसिलिटी लेना चाहते हो तो इसको यह पोर्शन फिलअप कर सकते हो, बट ये आपको FD और इसके नीचे यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट का ऑप्शन, ये पोर्शन आपको नहीं फिलअप करना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे भी लेफ्ट साइड में सबसे पहले जो पिछला फॉर्म मैंने फिलअप किया था उसी का यहाँ पे हिंदी वर्जन है, तो हिंदी वर्जन अगर आप लोग फिलअप करोगे तो आप लोग हिंदी वर्जन में फिलअप कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यहाँ पे फॉर्म DA1 यानी नॉमिनी फॉर्म दिया हुआ है, तो किसी भी बैंक अगर आप लोग वो अकाउंट ओपन करने जा रहे हो तो नॉमिनी की फैसिलिटी आप लोग जरूर लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं जिनके अकाउंट में नॉमिनी नहीं होती और अचानक अकाउंट होल्डर के डेथ होने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम होती है मनी को क्लेम करने के लिए। तो आप लोग अगर किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन कर रहे हो तो नॉमिनी की फैसिलिटी जरूर लीजिए। ये फैसिलिटी आप बाद में भी ले सकते हो या फिर अकाउंट ओपन करते समय भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए कि ये फैसिलिटी आप लोग जरूर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग अपना नाम फिलअप करोगे, उसके बाद ब्रांच नेम फिलअप करोगे, इसके बाद अगर आप लोग अपने नॉमिनी का नाम पासबुक पे भी प्रिंट करवाना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग को टिक कर देना है। उसके बाद टाइप ऑफ डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट आप लोग को फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर यानी कि नॉमिनी का अकाउंट नंबर आप फिलअप कर दोगे। इसके बाद डिटेल्स आप नॉमिनी में सबसे पहले आप लोग कैपिटल लेटर में नॉमिनी का फुल नेम फिलअप करोगे, उसके बाद मोबाइल नंबर नॉमिनी का फिलअप करोगे, इसके बाद नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है यहाँ पे आप लोग फिलअप करोगे, नॉमिनी की क्या एज है ये अभी आप लोग मेंशन कर दो। अगर आप लोग यानी कि नॉमिनी माइनर है 18 साल से कम है तो यहाँ पे उसकी एज भी आप लोग लिख दोगे, और माइनर है नॉमिनी तो यहाँ पे उसकी गार्जियन के नेम, इसके साथ ही पूरा एड्रेस भी लिखा जाएगा। साथ ही यहाँ पे आप लोग को अपना सिग्नेचर कर देना है, और अगर नॉमिनी माइनर है तो उसके लिए एक विटनेस की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे विटनेस का नेम, सिग्नेचर और एड्रेस भी आप लोग लिख दोगे। इसके बाद नीचे यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को आप लोग को एग्री करना है यानी कि इस पर टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना सिग्नेचर कर देना है। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया हुआ है, तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, और यहाँ पे अपना प्लेस फिलअप करेंगे यानी कि ब्रांच नेम का प्लेस फिलअप करेंगे, इसके बाद डेट फिलअप करेंगे, यहाँ पे आप लोग को सिग्नेचर करना है ब्लैक बॉल पेन से, इसके बाद फॉर ऑफिस यूज ओनली लिखा हुआ है तो इसको आप लोग को फिलअप नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और इस पेज पे भी आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में हिंदी वर्जन दिया हुआ है, तो वही आप लोग को हिंदी वर्जन में फिलअप कर रहे हो तो आप लोग को पूरा फॉर्म हिंदी में ही फिलअप करना है। लेफ्ट साइड में आप लोग को हिंदी वर्जन दिख जाता है, साथ ही राइट साइड में आप लोग को इंग्लिश वर्जन दिख जाता है, तो जिस भी वर्जन में आप लोग फिलअप करोगे उसी वर्जन में सारा फॉर्म आपको फिलअप करना है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं इस पेज पे, तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और इस पेज पे भी पूरा टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है, तो इसमें आप लोगों को कुछ भी फिलअप नहीं करना है। और लास्ट पेज पे भी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ही हिंदी में दिए हुए हैं, तो इस तरीके से आप लोग पूरा फॉर्म सही फिलअप कर लोगे। अगर आप लोग को फॉर्म फिलअप करने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग इसका एक फ़ोटो खींचकर हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम आपको होगी हम उसका सॉल्व जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को पंजाब एंड सिंध बैंक का अकाउंट ओपनिंग यानी कि सेविंग अकाउंट ओपनिंग करने का फॉर्म पूरा फिलअप करके दिखा दिया है। फिर भी अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होती है जैसे मैंने आपको बताया, या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारे द्वारा दोस्तों एक चीज़ और मैं आप लोग को बता दूँ, इस फॉर्म के साथ आप लोग अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी, साथ ही दो पासपोर्ट साइज़ के फोटोग्राफ्स आप लगा देंगे, इसके साथ ही ओरिजिनल कॉपी भी आप लोग आधार कार्ड पैन कार्ड की बैंक लेकर जाएंगे, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा।
सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स साथ शेयर जरूर कर देना। और इसी तरह की हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।